महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के सिंहपुरी में स्थित पुष्प दंतेश्वर महादेव 84 महादेवों में 77वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पुत्र की इच्छा से भगवान सदाशिव की तपस्या करने वाले एक ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न सदाशिव ने अपने गणों को कहा कि तुम इस ब्राह्मण के पुत्र बन जाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर शिवगण दुखी हुए। पुष्पदंत नामक गण ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे नाथ, हमें आपका सानिध्य छोड़ना प्राण घातक कष्ट से कम नहीं है। सदाशिव को पुष्पदंत की यह बात अपने आदेश की अवहेलना लगी, इसलिए उन्हें उसे पृथ्वी पर गिरने का शाप दे दिया तथा अपने ही एक गण विरे को ब्राह्मण के घर पुत्र के रूप में भेज दिया। ब्राह्मण तो मनोवांछित फल से प्रसन्न हो गया, किंतु पुष्पदंत दुखी हो गया। तब भगवती पार्वती के सुझाव पर उसने महाकाल वन आकर इस दिव्य लिंग की एक निष्ठ भाव से उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपने कई गणों का स्वामी बना दिया तथा लोक का आनंद प्रदान किया। श्री पुष्पदंत नामक गण द्वारा उपासित यह अद्भुत लिंग तभी से श्री पुष्प दंतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य अष्टमी, चतुर्दशी और सोमवार को पुष्प दंत की पूजा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।